हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों आप सभी की डिमांड पर हम एनसीईआरटी को फिर से चालू कर रहे हैं। और एनसीईआरटी जो हम लोगों ने कवर किया था, देखिए क्या है ना कि एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने लगभग पूरी एनसीईआरटी कवर की हुई है जियोग्राफी की, ठीक है। तो जियोग्राफी में 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी कवर करने के लिए मैंने कहा था, बट अभी तक जो एनसीईआरटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 से लेकर के क्लास 10 तक ही कम्प्लीट हो पाई है, 12 तक नहीं हो पाई है, ठीक है। और वो भी कक्षा 10 में जो है आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 पूरा पढ़ा दिया, 7 पढ़ा दिया, 8 पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया और 10 में भी आज आखिरी चैप्टर है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर है वो सभी आपको कवर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, मैं फुल एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। फुल मतलब कि जितनी भी चैप्टर में जो भी लाइन दिया है वो लाइन टू लाइन पूरा ए टू जेड बातें करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे करके नहीं, पूरी बातें करता हूँ। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जब आप हमारे जाओगे तो वहाँ पे आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी का फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। एक चीज़ और, ये जितने चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं इन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी हम लोगों ने कवर किया है, वो अलग से फोल्डर होगा 6 से लेके 12 तक का जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट या MCQ करके लिखा होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय न बिताते हुए ज़्यादा। आगे है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। दोस्तों ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 और आपकी क्लास कौन सी है, क्लास 10। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ठीक उसी ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जब से हम सुबह सो के उठते हैं उसके बाद से हमारा दिनचर्या शुरू होता है और हम दिन भर में बहुत सारी सामग्री, वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक चीज़ आपके आसपास अवेलेबल है, कुछ चीज़ें आपको बाहर से लानी पड़ती होंगी, कुछ चीज़ें दूसरे स्थान से आपके स्थान तक लाई जाती होंगी, तब जाके वो व्यक्तियों तक पहुँच पाती होंगी। वस्तुएँ तथा सेवाएँ मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुँचती। जैसे एक एग्जांपल हूँ दोस्तों, मान लीजिए सुबह आपने उठा, अगर सुबह आपको दातून करना है, क्या करना है, सुबह अगर आपको दातून करना है तो ऐसे में क्या होगा, जो जैसे नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, उसका आपने डंठल लेके आया और उससे आपने दातून कर लिया। लेकिन अगर आपको चाहिए टूथब्रश, ठीक है, अगर आपको चाहिए टूथपेस्ट, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, आपको जाना पड़ेगा मार्केट से लेना पड़ेगा। लेकिन यह टूथपेस्ट और यह टूथब्रश ये आपके मार्केट में तो बनता नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह बनता है और वहाँ से आपके मार्केट तक आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वस्तु तथा सेवाएँ मांग स्थल से, मांग स्थल मतलब जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो, मांग स्थल से आपूर्ति स्थल, ठीक है, आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुँच जाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की सहायता से ये अपनी कंपनी में जहाँ बना होगा टूथब्रश या टूथपेस्ट, ठीक है, वहाँ से चल करके आपके पास तक पहुँचा है। और ये संभव कैसे हो पाया है, परिवहन के माध्यम से। हाँ, परिवहन में कोई भी परिवहन हो, जल परिवहन है या फिर सड़क परिवहन है या फिर रेल परिवहन है या फिर वायु परिवहन है, कोई भी परिवहन हो, मैटर ये है दोस्तों कि ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही आप तक पहुँच पाया है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। हाँ, इसमें कुछ व्यक्ति भी लगे होंगे, परिवहन के साथ साथ कुछ व्यक्ति होंगे जो इस सामान को कंपनी से लेकर के आपके बाज़ार तक उपलब्ध करवाने के लिए इस पूरे चेन में शामिल हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, व्यापारी। अगर आपसे कोई पूछे व्यापारी किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं
उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। अगर बताइए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना हो तो ऐसे में वस्तुएं जिस कंपनी में बनी वहीं रह जाएंगी, ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, और अगर लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगी तो क्या उसका लाभ मिल पाएगा किसी को? किसी को नहीं मिलेगा। अगला है, इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। इसलिए बता रहा है कि हमें परिवहन के साधनों का विकास करना चाहिए, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा, और किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये सरकार का करना काम है। इसका काम करना कोई इसका काम है, सरकार यह काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, रोड बनाती है, बढ़िया रोड बनाती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो है कम समय लगे। ठीक है, आगे वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना, लाना और ले जाना, ये पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, एक स्थल, एक जल और एक वायु। यही तीन क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी सामान को आगे पीछे कहीं भी लेके आना जाना हो आ जा सकते हो। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, अभी दो दिन पहले हम लोगों ने परिवहन से संबंधित समस्त चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। आज पूरे विश्व में परिवहन इतना तेज हो गया है कि पूरा संसार अब बहुत दूर नहीं नजर आता, पूरा संसार सिर्फ एक छोटा सा गांव के रूप में बदल चुका है। क्योंकि यहाँ से अमेरिका जाना हो तो भी आप एक दिन में आप कहीं भी जा सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड आप एक दिन में कहीं भी जा सकते हो, इतना जो है परिवहन सक्षम हो चुका है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो पाया है। अभी तक तो बात कर रहा था कि परिवहन ही जो विकसित होना चाहिए, अब कह रहा है कि परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास से ही संभव हो पाया है। मतलब कि परिवहन का अगर आपको विकास करना है तो उसके पहले संचार साधनों को विकसित करना पड़ेगा। बिना संचार साधनों के परिवहन का विकास करना संभव नहीं है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, संचार को शामिल कर रहा है, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया आदि, इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। आज आप ही देख लो, आज आप बैठ के पढ़ रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं कहाँ बैठा हूँ और आप कहाँ बैठे हो, और हमारे आपके बीच में क्या है, एक वार्तालाप जारी है और आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दे दिया है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन देने के लिए सुविधाओं और साधनों में भी बढ़ोतरी किया है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आज ये टेक्नोलॉजी ने जो संचार है, जो परिवहन व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने हमारे जीवन को आरामदायक बना दिया, हमारे जीवन को सुविधाओं से युक्त बना दिया। एक ज़माना था कि बच्चे गुरुकुल में जा कर के कठिन परिश्रम करके शिक्षा ग्रहण करते थे। आज क्या है, आज कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेड पे चद्दर ओढ़ के भी सोए होंगे, उसके बाद भी वीडियो को देख रहे होंगे। तो घर बैठे, लेटे बैठे, सोए, जैसे भी चाहें वैसे उनके तक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन पहुंच पा रहा है, ये संभव है। तो आरामदायक जीवन और सुविधाओं से युक्त जीवन जी रहे हो आप, और ये पूर्ण हो चुका है कैसे, आज के इस खोज के द्वारा। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे, देखिए अभी तक क्या कर रहा था ना, ये भूमिका बना रहा था, अभी तक ये भूमिका बना रहा था, अब सीधे चैप्टर में चलते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अतः यह के बाद रुक जाइए,
अतः यह बहुत समय तक अभी आगे देख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक मैप के द्वारा मतलब फिगर के द्वारा आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर दे रहा है कि परिवहन के साधन और बता रहा है कि तीन साधन, एक स्थल हो गया, एक स्थल परिवहन हो गया, एक जल परिवहन हो गया, एक वायु परिवहन हो गया। स्थल परिवहन की बात करेंगे तो तीन तरह से आप किसी सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सकते हो, या तो सड़क परिवहन के माध्यम से, या तो रेल परिवहन के माध्यम से, या तो पाइपलाइन के माध्यम से। एक तीसरा परिवहन भी है दोस्तों, पाइपलाइन, इस पे भी आपको ध्यान देना है। ये तीन परिवहन है। अगर जल परिवहन का इस्तेमाल करते हो तो आंतरिक जल परिवहन, ठीक है, जैसे इंटर स्टेट आपको सेल करना है तो आंतरिक जल परिवहन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, झीलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, ठीक है। आगे समुद्री जल परिवहन, ठीक है, एक आप दो हो गया। और वायु परिवहन की बात करेंगे तो घरेलू विमान सेवा, मतलब जो डोमेस्टिक फ्लाइट हमारे देश में उड़ रही है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ये डोमेस्टिक वाला हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मतलब क्या हो गया, दिल्ली से पहुंच गई बहरीन, दिल्ली से पहुंच गई ओमान, दिल्ली से पहुंच गई सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, जहां भी जाओ, एक ये चीज़ हो गई। घरेलू में दो पॉइंट और आ जाते हैं, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होता है, एक निजी विमान सेवा होता है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और एक निजी विमान सेवा है। तो कुल इतने टाइप हैं जिसको आपको देखना है। अब चलिए पढ़ते हैं। आगे बोला था कि अतः यह बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। शुरुआत में कहाँ इतना ज़्यादा परिवहन के साधन थे? अरे जब से समाज में पहिए का आविष्कार हुआ तब से लोग आवागमन को चालू कर दिए हैं। उसके बाद से काफ़ी समय तक टेक्नोलॉजी यहीं पर रुकी ही रही, इसके आगे बढ़ा ही नहीं। ये तो अभी हाल फिलहाल के क्षेत्रों में जो है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट हैं कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हो चुके हैं। यानी जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी जिस देश में उतना ज़्यादा मजबूत है वह देश। आइए तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो अपनी शुरुआत करते हैं हम स्थल परिवहन से। कह रहा है भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक माना जाता है। यह सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर का है। कितना है यह सड़क जाल, कच्ची पक्की सब मिला के कितना है, 23 लाख किलोमीटर का है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। अरे रेल परिवहन तो काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ भाई, रेल परिवहन तो शुरू होता है 1853 से, डलहौजी के समय से। इसके पहले तो सड़क परिवहन ही चल रहा था। अरे कब से, अरे जब से आप देख लो भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का रोड पर नहीं चलते थे कि अशोक रोड पे नहीं चलते थे, कहीं ना कहीं तो सड़क रहा होगा ना। ये अलग है कि आज की डामर की सड़क थी, उस समय की सड़कें दूसरे तरह की रही होंगी, चाहे जैसी थी, लेकिन सड़क परिवहन ही तो था। तो रेल परिवहन तो अभी हाल फिलहाल में आया है, इसके पहले सड़क परिवहन से ही काम चलता था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक भी मानी जाती है, क्योंकि हर जगह आप रेलवे नहीं बना सकते हो, हर जगह पटरी बिछा के हर जगह स्टेशन नहीं बना सकते हो, जबकि सड़क परिवहन के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी रुक सकता है, बैठ सकता है, आराम कर सकता है, जबकि रेलवे के साथ ऐसा नहीं है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अच्छा, किस कारण से सड़क परिवहन की महत्व जो है बढ़ती जा रही है? कह रहा है रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, रेलवे लाइन बिछाना, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, उसकी मजबूती की व्यवस्था करना, उसकी देख रेख करना, इसमें बहुत ज़्यादा लागत आ जाती है, जबकि उसकी अपेक्षाकृत सड़कों का निर्माण काफ़ी कम पैसे में हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा है, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। कितना भी खराब जगह हो, कितना भी उबड़ खाबड़ जगह हो, वहाँ पर आप सड़कें बना सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पर रेलवे लाइन आपको बिछाना है तो आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। क्या समझ रहे, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है कि नहीं? उबड़ खाबड़ है, ऐसे है, ऐसे है, बताइए कैसे रेलवे बिछाओगे? पता चलेगा इसको पूरा काटना है, और अगर यहीं पर रोड बनाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे रोड बना दोगे क्या, स्टाइल में चलेगी गाड़ियाँ, है कि नहीं? तो ये चीज़ें होती हैं। आगे हैं, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पर सड़क बना सकते हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन को बिछा पाना बहुत मुश्किल काम है। आगे, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क परिवहन क्या है, मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्चीला है।
उसके अपेक्षाकृत रेल परिवहन क्या है, महंगा पड़ जाएगा। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। आगे है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तनों को जोड़ता है। दोस्तों इस सड़क के माध्यम से ही जुड़ पाता है। जैसे व्यक्ति कहे कि नहीं हम हवा में ही रहेंगे, तो बेटा एयरपोर्ट से उतर कर घर कैसे आओगे, हाँ एयरपोर्ट से उतर के घर आने के लिए सड़क का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। कोई कहा नहीं हम रेलवे ही हमारे लिए सही है, तो रेलवे स्टेशन जाओगे कैसे, रेलवे स्टेशन से आओगे कैसे। कोई कहा कि नहीं हमारे लिए बंदरगाह ही अच्छे हैं, तो बंदरगाह से आना जाना भी कैसे संभव पाएगा, सड़क के माध्यम से। कैसे, सड़क के माध्यम से। तो सड़क क्या करती है, इन सभी को जोड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिए, करा भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न छः वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब छः हिस्से होते हैं सड़क के। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बनाएं। आइए पढ़े पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज दे रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, करा भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला जो गलियारा है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, मतलब उत्तर को दक्षिण से जोड़ेगा, मतलब कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तथा दूसरा जो है वो पूरब से पश्चिम गलियारा है, जो सिलचर असम से शुरू होता है, कलकत्ता मत जाइएगा असम तक जाइएगा, सिलचर असम से शुरू होता है और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो 2 गलियारे हैं, एक उत्तर दक्षिण गलियारा, एक पूरब पश्चिम गलियारा। करा इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी को आपस में जोड़ना था, भारत के मेगा सिटी को आपस में जोड़ना था, मतलब इनके मध्य की दूरी व परिवहन के समय को न्यूनतम करना था। इस वजह से ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा बनाया गया। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई, ठीक है, के अधिकार क्षेत्र में आता है। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो आपका क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। अब बताइए नेशनल हाईवे क्या होता है, कुल 6 टाइप थे, पहला आपने देखा, दूसरा देखिए इसमें बता रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है, सेंट्रल PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। बहुत सारे पूरे भारत में बहुत सारे NH बनाए गए हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों को आपस में कनेक्ट करते हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि पहले लाहौर से चलती थी, अभी उसको अमृतसर से मानते हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से विख्यात है, 1 के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से NH बनते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को और बढ़िया बनाया जा सके। ये अहमदाबाद बड़ोदरा का द्रुत मार्ग है, द्रुत मार्ग मतलब एक्सप्रेस वे है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, जो कि 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, NH 8 जो है दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, जबकि NH 15 जो है ये राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। तो थोड़ा सा NH के बारे में आप पढ़ते रहिएगा। आगे है दोस्तों राज्य राजमार्ग, जो स्टेट हाईवे हैं वो क्या, तीसरा टाइप। कर राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली, जितने भी राज्य की राजधानी हैं उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिए यहाँ बहुत सारे राजमार्ग का जो आपको फिगर दे रहा है, ये मैं बात करूँ तो देखो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये पूरब से पश्चिम वाला, यहाँ देख रहे हो पोरबंदर है, ये पोरबंदर से शुरू होकर और घूमते वक्त ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये झांसी वही जगह जहाँ पर दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, दोनों, ये यहाँ तक जाती, ये असम के सिलचर तक जाती, यहाँ तक आ जाती है। पश्चिम बंगाल मत करिएगा, सिलचर करिएगा, ठीक है,
यहाँ तक आती है। इसके अलावा कन्याकुमारी देख लें तो कन्याकुमारी वाला यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट होता है और यहाँ से आगे बढ़ता 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 ये दिल्ली से होता हुआ, ठीक है, और सीधे नीचे आएगा कन्याकुमारी तक जाएगा। ये देखो नीचे कन्याकुमारी तक जाएगा, ये रोड आ रहा है यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो दोनों को याद रखेगा दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और याद रखेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो क्या है, देखिए एक तो आपको ये तो आपको गलियारा हो गया, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारा, और दोनों गलियारे आपस में कहाँ काटते हैं तो ये झांसी में काटते हैं। और दूसरा चीज़ दे रहा है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज देखिए एक चतुर्भुज बन गया, एक रोड ही जा रहा है, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से पीला वाला जा रहा है ऐसे करते 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 मिलते हुए, और ये जा रहा है मुंबई तक, ये मुंबई तक गया, दिल्ली से मुंबई जुड़ गया, यहाँ मुंबई से आगे देखिए ये जा रहा है, ये बेंगलुरु तक जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके कोलकाता तक जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे करके कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, वाराणसी होते हुए ये कलकत्ता तक जाएगा। तो ये चतुर्भुज बन गया, ये एक चतुर्भुज का आकार बन गया कि नहीं, ये ऐसे ऐसे, तो इसी को कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज, अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी ये थी। और बाकी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग दे रहा है, ये जो बाकी दे रहा है इसमें जो भी स्टेट हाईवे इसमें दिया ही नहीं, केवल जो है NH दिया हुआ है, तो ये वाला जो नीचे बीच वाला फिगर है ये सब ठीक है, ये हाईवेज़ का है, तो याद रखिएगा। तो इतने सारे हाईवे जो हैं फैले हुए हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है, सबसे कम जो है इनकी सघनता कहाँ देखने को मिल सकती है, एक तो जम्मू कश्मीर में मिल सकती है, थोड़ा सा इधर राजस्थान में जैसलमेर तक गए हैं, NH जो है वो जैसलमेर तक गया है, लेकिन फिर भी इधर थोड़ी सघनता कम है, बीच में थोड़ी सी सघनता कम दिख रही होगी, और इधर अरुणाचल वाले बेल्ट में थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। बाकी को आप देखोगे तो हर जगह आपको NH मिल जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बता रहा है कि इन क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व, स्टेट हाईवे की बात कर रहा है, राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी जो राज्य का PWD है उसके अंतर्गत आता है। अब चौथा है दोस्तों जिला मार्ग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये क्या है, कह रहा है ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं, इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का रहता है। देखो जो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला था उसका दायित्व तो किसके पास था, नहाई के पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद जो NH था उसका CPWD उसका काम करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट हाईवे था वो अपना स्टेट वाला जो PWD है वो देखें, जिला मार्ग जो है उसके सड़कों की व्यवस्था जिला परिषद देखती है, उसका रख रखाव उत्तरदायित्व तो किसके पास है, जिला परिषद के पास है। इसके बाद है दोस्तों अन्य सड़कें, कह रहा है इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, और एक योजना चली थी दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, इसके तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। तो दोस्तों आजकल देख रहे हो आप कि कोई भी ऐसा गांव मुझे नहीं लगता है कि बचा होगा जहां पे रोड ना बना हो, वो गांव क्या होगा उसके आसपास में जो भी शहर है वहां तक उसको कनेक्ट किया गया है ताकि परिवहन के साधन को मजबूत किया जा सके। परिवहन मजबूत होगा, परिवहन तंत्र मजबूत होगा, तो जो बाज़ार हैं जो गाँव हैं वो पनप सकेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ सकेंगे और वो खुद अपने आप में एक बाज़ार बन सकेंगे और तभी देश का विकास संभव है। आगे है सीमांत सड़कें, करा उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन भी है, ठीक है, सीमा सड़क यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO भी है, करा जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में भी अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर में पहाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, उनको काट काट करके उन सभी जगहों को जो है रोड द्वारा जोड़ना, अब देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो ये बना हुआ रोड, ठीक है, पहाड़ों पर, तो यहाँ पर आप समझते हो कि यहाँ पे वायान और कोई चीज़ यहाँ पर संभव हो पाएगा, नहीं, यहाँ पे रोड ही है जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हो। करा सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। पक्की सड़कें, सीमेंट वाली सड़कें, कंक्रीट की सड़कें, तारकोल की सड़कें, ठीक है, कई सारे टाइप इनके हैं। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा और,
अब देखिए यहाँ यहाँ क्या है, यह उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात है दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे तो बंद हो गया है पूरा, देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जा रही हैं इधर से। अरे इस तरह का सीन आपको रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों मिल जाएगा, अरुणाचल मिल जाएगा, दार्जिलिंग में मिल जाएगा, बहुत जगह। कह रहा है ये बारहमासी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। आगे है सड़क घनत्व। कह रहा है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। किसको? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में जितनी भी सड़कों की लंबाई है इसको सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग है। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में मात्र 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब कि 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 12 किलोमीटर रोड बना है, बाकी बना ही नहीं रोड, इतना ज़्यादा कम। क्यों? दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, कोई बड़ी बस्ती नहीं है, कोई बड़ी सिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में सड़क भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से लेकर के, और केरल में वहीं पहुंच जाएंगे तो 1517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 31 मार्च 2011 तक का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। एक ऑन एवरेज बात करें वो भी राष्ट्रीय घनत्व पूरे भारत का जोड़ करके, समझ में आ रहा है, पूरे भारत का जोड़ करके जो घनत्व था सड़कों का वो कितना था, 142.68 क्या था वर्ग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। करा भारत में, एक सेकंड दोस्तों, चलिए आगे देखिए। करा भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि यातायात हो गया, ट्रैफिक हो गया, यात्रियों की संख्या, अरे दिन प्रतिदिन यार जनसंख्या बढ़ रही है तो यात्रियों की संख्या भी तो बढ़ रही है। इसको देखते हुए सड़कों का जाल क्या है, अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं, भारत में बनी हुई आज भी आधी सड़कें क्या है, कच्ची हैं, तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग भी सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं, केवल 2% का योगदान है दोस्तों। पूरे अगर हम भारत में जितने भी रोड हैं उनके बीच में योगदान देख लें तो NH का जो योगदान है मात्र 2% है, और 2% का योगदान अब पूरे यातायात में 40% का योगदान दे रहा है। इसका मतलब है आज भी हमें NH बनाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि ये जो NH है वो अभी भी क्या है, अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं। आप देखो किसी भी शहर को उठा के देख लो, हर जगह आपको ट्रैफिक की समस्या मिलेगी, तथा इन पर बने पुल और पुलिया, जो भी पुल बने हैं किसी नदी पर बने हैं या छोटे छोटे नहरों पर जो पुलिया बनी हुई हैं, ये पुराने तथा तंग हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर चौड़ाई बहुत कम है। तो जब चौड़ाई कम है तो आने जाने को लेकर के यहाँ पर भीड़ हो जाती है और इसके वजह से ट्रैफिक समस्या आ जाती है। कर परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों में तेज़ी से विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन क्या है इसके मार्ग में विकास भी हो रहा है। आगे दोस्तों और देख लेते हैं, रेल परिवहन भी देख लेते हैं। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में लेकर चलूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार हो गया, भ्रमण हो गया, तीर्थ यात्राएं हो गई, लंबी दूरी का अगर आपको सफ़र करना है या लंबी दूरी तक आपको सामान को भेजना है तो ऐसे में रेल परिवहन एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है। करा इसके अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से के विकास के लिए उत्तरदायी भी है। आज भी दोस्तों देख लो कि बहुत सारे उद्योग हैं जिनको जो है कच्चे माल की आपूर्ति किसके माध्यम से पूरी हो पाती है, वो रेलवे पर ही डिपेंड है, पूरी तरीके से रेलवे पर डिपेंड है, ठीक है। 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की मार्गी लंबाई कुल कितनी थी, 64,460 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इनमें से 9,213 रेल इंजन और 53,220 यात्री सेवा वाहन और 6,493 अन्य कोच वाहन और 229,381 माल गाड़ियां भी सम्मिलित थीं। तो इतना बड़ा
तंत्र लेकर के चल पाना, ये भारतीय रेलवे की बात है। इसीलिए तो पूरे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है किसको, रेलवे को। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। उसी के समय में काम हुआ था। आगे है दोस्तों, एक सेकेंड, इधर से करा छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से दे रहा है ना, ये तो आंकड़ा दे रहा है, ठीक है आंकड़ा भी देख लीजिए इसी के साथ। करा भारतीय रेलवे का एक आंकड़ा दे रहा है जो अनेक गेज पर है। तो कुल 3 लाइनें हैं दोस्तों यहाँ पर। एक होती है मीटर गेज, बड़ी लाइन, ठीक है, गेज मीटर में होता है। एक बड़ी लाइन होती है, एक मीटर लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, ठीक है। तो बड़ी लाइन जो होती है 1.676 मीटर की होती है, और मीटर लाइन 1 मीटर की होती है, छोटी लाइन 0.62 का होता है, ठीक है। और एक और होता है 0.610 का होता है। याद रखिए इसका जो कुल रूट है, कुल रूट अगर यहाँ लेके चलेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 64,460, जबकि बड़ी लाइन लेके चलोगे तो 55,000। सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन है, उसके बाद मीटर लाइन है, उसके बाद छोटी लाइन है, ठीक है। वाहन मार्ग में भी देखिए सबसे ज़्यादा किसका रोल है आप देख सकते हैं, और कुल मार्ग में भी, तो ये आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। आगे देखिए, करा भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, तभी तो इतनी बड़ी जो है सार्वजनिक उपक्रम चल पाएगा, अदरवाइज कैसे चलेगा। कह रहे वर्तमान रेल प्रखंड उनके मुख्यालय बताए, आपको सब पढ़ाया गया, स्टैटिक जीके वाले फोल्डर में जाके देख सकते हैं। आगे दोस्तों, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक और प्रशासनिक कारण जो है प्रमुख हैं। जाहिर सी बात, अच्छा बताओ किस वजह से रेल परिवहन का विकास नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो भू आकृति है भाई, कहीं ज़मीन उतार है, चढ़ाव है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र, तो ऐसे में रेल परिवहन को विकसित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासकीय कारण भी तो प्रमुख है, ठीक है, चाहते हुए भी आप सही ढंग से जो है कार्य नहीं कर सकते। हमारे देश की दुर्भाग्य कहिए या स्थिति परिस्थिति कहिए ऐसी बन चुकी है। आगे है, उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है, जो हमारा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि ये रेलवे के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इसी वजह से रेलवों की सघनता भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये उत्तरी भारत में ही है, ठीक है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई, उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र में तमाम नदियां भी तो हैं, तो इन नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुल के निर्माण भी करने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे जो है यहाँ पर काम किया है। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत में, मध्य और दक्षिण भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। आप प्रायद्वीपीय भारत में चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा ऐसा। कह रहे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्गम, उच्चावच और विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में भी थोड़ा सा इसका सघनता कम मिलती है, और जो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी थोड़ी सघनता इसकी कम मिलती है, ठीक है, यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। करा इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में तो यार रेगिस्तानी रेगिस्तान है। गुजरात का जो दलदली भाग है वहाँ पर दलदल है। मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। यहाँ पर जो नक्सलवादी हैं वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल समस्या खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा सह्याद्री और उससे सानिध्य क्षेत्र को भी जो घाट या दर्रे के द्वारा ही पार कर पाना संभव है, वहाँ भी थोड़ा सा रेलवे लाइन जो है ले जाना संभव नहीं हो पाया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात कर दें, तो पूर्वोत्तर भारत में आज भी बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ तक रेलवे लाइन पहुँच ही नहीं पाया है। करा कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। दोस्तों भारतीय रेलवे के साथ एक और रेलवे आके काम किया, कोंकण रेलवे, ठीक है। कोंकण रेलवे हमारे देश में दुर्गम स्थानों पर, जो सबसे कठिन स्थान है, इसका तो टारगेट रहता है वहीं पे ट्रेन चलाएंगे, हम 100-100 सुरंग खोद देंगे, मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है।
कोंकण रेलवे। और बताओ प्रायद्वीपीय भारत में रेलवे का जाल फैलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कोंकण रेलवे को ही जाता है। उसी के बस की बात थी कि इतने ऊंचाई पर, इतने दुर्गम पहाड़ी पर इस तरह के रेलवे लाइन को बिछा दिया। दोस्तों आप कभी मुंबई से गोवा जाइए, रास्ते में आपको 100 से अधिक सुरंग मिलेंगे, 100 से ज़्यादा सुरंग, समझ सकते हैं, मतलब कि एकदम कसम खा लिया था कोंकण रेलवे ने कि हमको यही काम करना है। तो पूरे भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर रेलवे का विकास कोंकण रेलवे करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन है या किसी किसी भाग में तो रेलवे ट्रैक भी धंस जाता है, तो उन सारे चीज़ों का देख रेख करना, समय समय पर जांच पड़ताल करना, ये सब कोंकण रेलवे करता है। कह रहा है आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन क्या हो गया है, सबसे प्रमुख रोल निभा रहा है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत सारी समस्याएं इस रेल परिवहन में, बहुत से यात्री तो बिना टिकट यात्रा करते हैं, WT, ठीक है, विदाउट टिकट यात्रा करते हैं। आज भी रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी हम जब कभी आप कभी देखो ना, नई ट्रेन चलती है, 1 महीने बाद उसकी हालत क्या हो जाती है, उसका डस्टबिन गायब हो जाता है, सीटें फट जाती हैं, बाथरूम की हालत तो आप देख ही नहीं सकते, बेसिंग से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि रेल संपत्ति की तो हानि हो रही है, और रेलवे किसी एक व्यक्ति का थोड़े, तो हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो हम किसका हानि कर रहे हैं, हम अपने देश की हानि कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपको देखना चाहिए। कह रहा है कि जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। आज रेलवे जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या ज़्यादा समय लेता है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान पब्लिक का भी है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट वाला पढ़ लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका थल वाला जो है वो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद जल वाला और वायु वाला पढ़ना रह जाएगा। तो पाइपलाइन भी पढ़ ही लेते हैं आज। कह रहा है भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था, बट आज इसके महत्व को और बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये रेल मार्ग से संबंधित कुछ आपको इमेजेस दिखा रहा है। देखिए पूरे भारत में रेल फैला हुआ है, और लगभग जितने भी फेमस सिटी हैं उन सभी जगहों को रेलवे के द्वारा जोड़ा जा चुका है, ठीक है, उन सभी को रेलवे के द्वारा जोड़ा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आइए। कह रहा है पाइपलाइन के बारे में, कह रहा है इसका प्रयोग कच्चा तेल, कच्चे तेल को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में, पेट्रोलियम उत्पाद को पहुँचाने में, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं तक पहुँचाने में, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुँचाने में पाइपलाइन का आज इस्तेमाल किया जा रहा है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानी सलरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधन शालाएँ जैसे बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। ये सारे जगहों को आपस में कनेक्ट किया गया किसके माध्यम से, ठीक है, दूर दूर तक पाइपलाइनों के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को भेजा जाता है। पाइपलाइन बिछाने का प्रारंभिक लागत अधिक जरूर है, पाइपलाइन बिछाने की अगर प्रारंभिक लागत की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको चलाने की जो रनिंग कास्ट है वो बहुत ही न्यूनतम है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं होती है। पाइपलाइन में ज़्यादातर बाधाएं जो होती हैं वो अपेक्षाकृत अन्य की अपेक्षा बहुत कम होती है। वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है, मतलब वेस्टेज जो होता है वो ना के बराबर होता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला दे रहा है कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, ठीक है, एक आपका ये पाइपलाइन है, ठीक है, सोचिए कहाँ तक, कानपुर तक आया है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबध होकर हल्दिया तक जाती है, और दूसरी राजबध से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। तो इतना बड़ा पाइपलाइन क्षेत्र एक डेवलप किया गया है यह असम चिल क्षेत्र से। दूसरा है गुजरात में सलाया से निकलता है, गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। अरे यार, गुजरात से जालंधर चला गया पाइपलाइन। इसको अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली के चक्सू और अन्य स्थानों को जोड़ता है। तो बहुत तेज़ी से दोस्तों पाइपलाइन पे विस्तार का काम चल रहा है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है,
ठीक है, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बरबरा, बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में दोस्तों हम लोग जल परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, और हाँ, अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत करिएगा, उसको आप पूरा देखिएगा। तो कई दिन से रुका था, तो हमने कहा कि क्लास टेंथ को कवर ही कर लेते हैं। अब कल में आपका क्लास टेंथ कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में क्लास इलेवंथ की बात करेंगे, ताकि जो ज्योग्राफी का बचा हुआ सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर ज्योग्राफी, और हाँ आपके साइंस की क्लास की डिमांड आ रही है। तो दोस्तों साइंस में बायोलॉजी को तो हम लोग लगभग कवर ही कर चुके हैं, थोड़े बहुत चीज़ और बचे हैं। अब रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाई दिया जाए, तो एक दो दिन में उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप डिटेल में साइंस भी पढ़ लो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।